हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु से विनती प्रार्थना दुआ याचना करें। प्रभु ने एक और नई दिन हमें दिया है। हाँ, आज के सुबह का प्रकाश दिखाया है, सुख का सवेरा हमारे जीवन में जोड़ा है। हमारे प्रियो, आज का सवेरा हमारे लिए सुख का सवेरा है। हाँ, सच में विश्वास कीजिए, उन लोगों के लिए सुख का सवेरा नहीं है जो कि दिन के पहला समय प्रभु को नहीं देते, यानी कि बिस्तर से उठते ही प्रभु से बातें नहीं करते, प्रभु के सुनते नहीं, यानी कि प्रार्थना नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं। आप दिन के पहला समय प्रभु को देने वाले हैं, बिस्तर से उठते ही प्रभु से बातें करने वाले हैं, प्रभु की सुनने वाले हैं। आपके लिए दिन सुख का दिन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके लिए आशीष का दिन हो, हर सवेरा आपके लिए सुख का सवेरा हो, हर दिन की सुबह आपके लिए खुशी का हो, आनंद का हो, हर्ष उमंग का हो, तो हर दिन के पहला समय प्रभु को दीजिए, यानी कि प्रभु के हजूरी में बिताइए, प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचनों को पढ़ने में बिताइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा समय प्रभु से बातें करने में और प्रभु के वचन को पढ़ने में बिताएंगे, उतना ज़्यादा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी उन्नति के लिए आपका अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, प्रार्थना में बिताया हुआ वक्त है, हाँ, प्रार्थना में आपका बिताया हुआ समय घड़ी पल व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, जो जितना प्रभु से बातें करते हैं उतना ही प्रभु के करीब आता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, और आज के लिए उससे अनुग्रह मांगे, उसकी दया कृपा प्रभुता करुणा को मांगे। मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह काफ़ी है आज के पूरे दिन हमें स्वस्थ रहने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, प्रभु का अनुग्रह काफ़ी है आज के दिन हमें सफल होने के लिए, जो चाहेंगे पाने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा, हम भी बने रहेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, जीवितों के उजियाला में चलते रहेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। लॉर्ड जीसस, महिमा करते हैं खुदा, सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, चुप नहीं रहना है, अपने मुँह को खोलना है। हाँ, अपने मुँह को खोलना है और प्रभु को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, महिमा करना है, प्रशंसा करना है, ताकि और भी प्रभु का अनुग्रह आपको मिले, प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, प्रभु आपके जीवन में काम करे। जो आशीष प्रभु आपको दिया है मेरे प्रियो, जो काम आपके जीवन में किया है, जो चमत्कार आपके साथ रह करके किया है, जो उपकार आपके ऊपर किया है, भूलना मत, हमेशा याद रखना, स्मरण करना और प्रभु को धन्यवाद देते रहना।
ऐसा करने से क्या होगा, और भी प्रभु के अनुग्रह महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे, और भी प्रभु का गाइड आपको मिलेगा, शायद मदद आपको मिलेगा, प्रभु आपका अगुवाई करेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके उन्नति के लिए सच में आपका अगुवाई करेगा, जीवन के हर एक मोड़ पर संभालेगा। हाँ, हर एक मोड़ पर, कहीं पर भी गिरने नहीं देगा, आपको झुकने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा, लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के किए हुए हाथ के कामों को, सामर्थ के कामों को याद करते रहिए और प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु। एक और नए दिन प्रभु जी आपकी इच्छा से हमें मिला है, चाहत से, मर्जी से, अनुग्रह दया कृपा प्रभु तक करुणा से हमें मिला है। होने दे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा के लिए हमारे ऊपर बनाइए। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति हो जाए, महिमा प्रशंसा हो जाए, तारीफ हो जाए लॉर्ड जीसस, बड़ाई हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा, स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के जीवित वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय के उसका एक पद। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, इसमें क्या लिखा है। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि दुष्ट लोग, क्या लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है, दुष्ट लोग, पापी लोग, अधर्मी लोग जब उनकी कोई पीछा नहीं करता है तो भी वो लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर जो धर्मी है वो जवान सिंह के समान, जवान सिंह के नाई निडर रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। धर्मी बनिए, मैं आपको बता दूं कि धर्मी कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, कोई और नहीं, प्रभु का वचन बनाता है। धर्मी कौन बनाता है, प्रभु का वचन। प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको अपने हृदय में रखिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, अपने हृदय में रखिए, वो वचन आपको क्या करेगा, धर्मी बनाएगा। आपके मन को, ध्यान को, सोच को, दृष्टि को, आपके बॉडी के किसी भी अंग को पाप की ओर जाने नहीं देगा, दुष्टता के काम की ओर जाने नहीं देगा, बुराई की ओर जाने नहीं देगा, और आप पे धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है इसमें राजा दाऊद खुद कहता है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय के 11 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। राजा दाऊद क्या बोलता है, भजनकार क्या बोलता है, वो कहता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं आपके वचन को अपने हृदय में रखा हूँ, किस लिए, इसलिए कि कोई पाप, गुनाह, गलती, अपराध ना करूँ। सच में जिनके अंदर प्रभु का वचन रहता है वो कोई पाप नहीं करता, गुनाह गलती नहीं करता, अपराध नहीं करता, बुराई नहीं करता, दुष्टता की काम नहीं करता, क्योंकि हमेशा उसका ध्यान वचन पर आता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जिनके अंदर वचन है
हमेशा उसका ध्यान वचन पर रहता है। और मेरे प्रियो, जिसका ध्यान प्रभु के वचन पर रहेगा, क्या वो कोई पाप करेगा, गुनाह करेगा, अपराध करेगा, दुष्टता के काम, बुराई करेगा? नहीं करेगा मेरे प्रियो। और अगर वो नहीं करेगा तो किसी भी फंदे में नहीं फंसेगा, उसके अंदर किसी प्रकार का डर, भय, हताश नहीं रहेगा। वो हमेशा जवान सिंह के नहीं, जवान सिंह के समान निडर रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। डरते वो हैं जो गलतियां करते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं एक दिन उसका प्रतिफल उनको मिलेगा। गलती वही करते हैं जो कि प्रभु के वचन को अपने अंदर नहीं रखते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, महिमा प्रशंसा हो, तारीफ हो खुदा। धन्यवाद करते हैं राजा, स्तुति करते हैं प्रभु। सहायता, मदद, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, ध्यान दीजिए। जितने जन, जितने लोग प्रभु, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबों को जीवन दीजिए, बहुत आयत का जीवन दीजिए मेरे प्रियो। जीवन उन लोगों को मिलता है जो वचन को अपने हृदय में रखते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि वचन ही प्रभु है। यूहन्ना एक के एक में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही प्रभु है। जिसके जीवन में प्रभु है उसके जीवन में मृत्यु नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जीवन पाते हैं, वो जीवन जिसे बोलते हैं बहुत दायित्व का जीवन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं लोटे सी, सहायता, मदद, गाइड कर दीजिए। आज का दिन प्रभु सबों के लिए आशीष का हो। आज के दिन में सबों की कमी घटी, जरूरतें, आवश्यकताएं पूरी हो जाए। सबों की इच्छा, लालसा, मनोकामना, सपना, मनोरथ पूरी हो जाए। सबों की बिगड़ी बन जाए प्रभु जी, उलझन सुलझ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबों का काम सफल हो के, सबों की कार्य अंगीकृत बढ़े, सफलता पाए, सब गुड न्यूज़ पाए, हजारों गुना खुशियाँ पाए। सबों को प्रभु आपका सहारा मिले, सबों को आपकी सुरक्षा मिले। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु। होने दीजिए आज की सुबह में भाई के बहन बच्चा नौजवान बड़े बुजुर्ग अपने मुँहों को खोलकर आपसे जो कुछ भी मांग रहे हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए, आप देने की कृपा करें। जिस किसी के लिए प्रभु जी दुआ प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आप काम करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे सुने, ग्रहण किए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, बीमारों को छुइए और चंगाई दीजिए। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छू करके छुटकारा दीजिए। जो कर्जों में है उनको बाहर निकालिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, बंदी गृह से, केस मुकदमा से, हर एक बंधन से प्रभु, शैतान की बीड़ियां, जंजीरों से, सकेती से, संकट से, कष्टों से छुटकारा दीजिए। विपत्तियों से, हाँ विपत्तियों से, दुखों से, दर्द से, शोक विलाप से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति होके, आपकी महिमा होके। होने दीजिए प्रभु, जितने जन, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं वो सब जैसे भी हैं आपके हैं। होने दे प्रभु जी, उन सबों के ऊपर अपनी अनुग्रह को, महिमा को प्रकट कर खुदा। उन सबों को छू ले प्रभु जी और अपने योग बना। सब प्रभु आपके दृष्टि में धर्मी, अनमोल ठहरे, साँचा खरा ठहरे, ताकि प्रभु सबों का उद्धार हो। अनुग्रह कीजिए खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं बॉडी के हर एक अंगों पर, हाँ प्रभु सबों के लिए दुआ करते हैं। सबों के बॉडी के हर एक अंगों पर अधिकार रखे, ताकि बॉडी का कोई भाग प्रभु किसी पाप की ओर, दुष्टता के काम की ओर
अपराध बुराई की ओर जाने ना पाए, आपके आज्ञा का उल्लंघन करने ना पाए, आपके खिलाफ हमें काम करने ना पाए। मुखों पर पहरा बैठा, ओठों की द्वार की रखवाले कर, किसी के मुख से किसी के प्रति गलत शब्द वचन बड़े निकलने ना पाए। सहायता करना खुदा धन्यवाद देते हैं, छू लीजिए जीवन दीजिए, बहुत आयत का जीवन दीजिए। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, सहायता कीजिए खुदा से। धन्यवाद करते हैं मददगार खुदा, आपकी स्तुति हो। चिंता को दूर करने वाले खुदा आपकी स्तुति करते हैं, सारे परेशानी को ख़त्म करने वाले खुदा आपकी स्तुति करते हैं, जीवन देने वाले खुदा खुदावन यीशु आपकी स्तुति करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाना, कमेंट के जरिए जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं उस पर ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे, सब प्रभु जी आप में बने रहे और प्रभु उद्धार पाए। धन्यवाद कि आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस, कि आप हमारी सुने और प्रभु उत्तर भी दिए। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी, हमारे साथ जितने आपको पुकार रहे हैं उन सबों को आपका प्यार और आशीर्वाद मिले, आपका शांति सुख चैन आराम मिले। धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस, तारीफ बढ़ाई हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं पढ़ते हैं। विश्वास कीजिए उत्तर मिलेगा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, ऐसा खुद प्रभु यीशु मसीह बोला है। रोज डेली प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा, आपकी कठिनाइयों को दूर करेगा, कठिन परिस्थिति हालातों को बदलेगा, चेंज करेगा, जितने भी गड़बड़ियाँ चल रहा है सब कुछ ठीक करेगा, उलझने सुलझाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, दुख है दर्द है पीड़ा है रोग बीमारी है खत्म करेगा, समस्या का हल निकालेगा। प्रभु पर भरोसा रखो, प्रार्थना करते हो विश्वास के साथ तो भरोसा भी रखना सीखना है। हालेलुया, भरोसा रखिए, ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु कर रहा है, वो अपने कामों को कर रहा है, बहुत जल्द आप पे रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया, उसके महिमा को देखेंगे। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पल भर में सब कुछ बदलने का ताकत रखता है, हाँ सब कुछ। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको और आपके परिवारों को संभाले, ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे, आगे की ओर बढ़ाए, सुख शांति समृद्धियाँ बहुत अच्छे दे, सफलता बहुत अच्छे दे, जीवन बहुत अच्छे दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।